नमस्कार जी, बीएसके हाइड्रोलिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लाइट वेट शीट बेंडिंग मशीन के बारे में जानकारी लेंगे। इस मशीन पे आप 18 गेज 16 गेज तक चादर आराम से बेंड कर सकते हो जी। इसमें आप 20 गेज 22 गेज की चादर जो अपनी स्टील की आती है एसएस की, वो भी बेंड कर सकते हो। इसकी लंबाई जी 8 फीट से लेकर 10 फीट हो सकती है। आप अगर चाहिए तो 7 फीट भी इसकी लंबाई हो सकती है जी। अभी जो आपके सामने है इसकी लंबाई 9 फीट है। ये चुगाठों के लिए मशीन बनाई है, लाइट वेट। ये आपका पहले पंप आ गया जी। इसका जो पंप होता है वो 60 टन कैपेसिटी वाला होता है। जो हमारी बड़ी मशीन आती है पंप सेम ही होता है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता इनमें। इनका जो पंप है मैनुअल ऑपरेट होता है, इलेक्ट्रॉनिकल नहीं होता है जी। इनमें लगभग 10 लीटर के आसपास ऑयल आ जाता है जी। ऑयल इसमें 68 नंबर हाइड्रोलिक ऑयल डलता है। ये साइड में इसकी कीम आ गई जहाँ क्लच आ गया जी। इसके बैक पर मोटर आ जाती है और साइड में हम पुली देते हैं इसके 10 इंच की सी क्लास, और सी क्लास ही इसमें बेल्ट डलती है जी। ये पंप हमारा खुद का बना होता है और इसमें कभी कोई भी कंप्लेंट नहीं आती और इसकी मेंटेनेंस भी लगभग जीरो होती है जी। बस इस पंप में कभी पानी ना जाए तो इस पंप को खराब नहीं होता जल्दी जल्दी, बहुत लंबे समय तक चलता है जी। ये पंप 2 प्लंजर पंप है। ऊपर से जो हमने पंप के ऊपर पाइप लगाई होती है वो भी सी क्लास पाइप लगाई होती है, हैवी ड्यूटी वाली। ये साइड में आपका स्प्रिंग आ गया। ये स्प्रिंग से ऑपरेट होती है, डबल एक्शन नहीं होती क्योंकि लाइट वेट बजट में रखना होता है। बहुत कुछ इसमें हम एस्टिमेट के हिसाब से रखते हैं जी। ये साइड में आपका इसका फट्टा आ गया और नीचे आपका 6 इंच 20 mm का ब्लेड आ गया जी। ये ब्लेड है EN31 का होता है। ये सेम ही होता है जो बड़ी मशीन में होता है क्योंकि इसकी लाइफ और काम करने की समर्थता बहुत होती है जी। ये जल्दी जल्दी घिसता भी नहीं है और इसकी डिग्री भी अच्छी रहती है, धार अच्छी रहती है। ये आपकी साइड से मशीन आ गई। इसके नीचे जी हम पहले 4 इंच पर 4 इंच का स्केयर लगाते थे और अभी इस पर गाड़ी की लाइन लगाते हैं, रेलगाड़ी की। रेलगाड़ी की लाइन काफ़ी हार्ड होती है और ये जल्दी जल्दी घसती भी नहीं है। इस पे आप चौगाट बेंड करनी है, MS चादर बेंड करनी है, आसानी से 90 डिग्री में बेंड करेगी बिना किसी दिक्कत के जी। इसकी लाइफ भी बहुत होती है, कोई कंप्लेंट आने की कोई भी चांस नहीं होता जी। इसकी जो वी है, ग्रूव है, वो आप अपने हिसाब से रखवा सकते हो आपके काम के हिसाब से। ये आगे जी आपका पूरी लाइन। इसके नीचे हम प्रॉपर एक बेस जो बनाते हैं वो टी बना कर रखते हैं। ये नीचे पैर वाला क्लच आ गया जी। कई कस्टमर हाथ वाला क्लच लगवा लेते हैं, कई पैर वाला लगवा लेते हैं। आपके काम के हिसाब से ये लग जाएगा। कामयाब दोनों ही हैं, हाथ वाला भी कामयाब है और पैर वाला क्लच भी कामयाब है। ये आपके फ्रंट से मशीन आ गई। इसके नीचे जो ये सर्कल दिया गया है इसको हम सी बोलते हैं। इसका जो लगभग पीछे का सेंटर 14 इंच 15 इंच होता है नॉर्मली में, जो कि आपको अगर एग्रीकल्चर का काम करना है या चौगाठों का काम करना है तो बहुत रहता है जितना। बाकी चादर भी इसके ऊपर घूम जाती है, अगर ज़्यादा लंबाई में चादर भी आपको ग्रूव डालना है उस पर भी हो जाएगा जी। इसका सी आप कम ज़्यादा करवा सकते हो पर उसी हिसाब से इसका वेट और कैपेसिटी कम ज़्यादा हो सकती है जी। ये 2 HP की मोटर आ गई जिसपे, इसमें सिंगल फेज की लगाओ मोटर चाहे 3 फेज की लगाओ, दोनों ही कामयाब है। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी झंझट नहीं आएगा। इस पे हम 4 इंच की पुली लगाते हैं सी क्लास में। ये आपकी मशीन बैक से आ गई। ये मशीनें ऑर्डर पे तैयार होती हैं जी। इनका वजन लगभग 14 क्विंटल 15 क्विंटल के आसपास हो जाता है। आप ऑर्डर बुक करने के लिए हमारे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और इसके अगर कोई और वीडियो जानकारी चाहिए तब भी आप हमको कॉल कर लेना जी। थैंक यू।